सदस्य हम बैंकिंग सेक्टर पर बात कर रहे थे, एक बार पीएनबी देखे। हाँ अलग जी, पीएनबी जैसे कि अगर पता नहीं, मतलब कह लें कि सारी बैंकें नीचे निचले भाव से डबल हो चुकी हैं, ये बैंक और यस बैंक में कुछ इश्यूज हम बराबर आपको ये हाईलाइट करते हैं। डेफिनेटली नीचे से तो बढ़ा है ये बैंक, लेकिन जो फ्लिप मिलना चाहिए था इनको वो फ्लिप नहीं मिला है, क्योंकि नंबर्स उतने अच्छे नहीं रहे हैं। डेफिनेटली इनके जो मैनेजमेंट है वो कह रही है कि इनका जो एनपीए है वो शायद जो है ठीक हो सकता है, या 33,000 करोड़ बता रहे हैं कि वो जो लोन एनपीए की तरफ चले गए थे वो रेगुलराइज हो जाएंगे, तो इनके बुक वैल्यू में वो ऐड हो जाएगा। बट वो चीज़ें होती हुई दिखी नहीं है। मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है इन चीज़ों को लेकर, तो जहाँ पर देखना चाहिए वो लोन ग्रोथ है। जहाँ अभी जो मार्केट सिनेरियो है जहाँ पर सारी बैंकें 20% के लोन ग्रोथ कर रही हैं, वहाँ पर इनका म्यूटेड लोन ग्रोथ रहा है, इसका कह लें और यस बैंक का कह लें। तो ये एक सैक्रोसेंट जो बुल मार्केट चल रहा है उसमें ये दो बैंकें एकदम छूट गई हैं। आज तो इस यस बैंक की अगर बात की जाए तो आप देखें तकरीबन 14% के करीब बढ़ा हुआ है। तो लेकिन सब बैंकें डबल हो चुकी हैं और ये लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं निचले स्तरों पे। अब इनको जैसे कहते हैं ना कि अलग जी, एक चीज़ कहते हैं कि जब ज्वार भाटा जब आता है तो कचरा भी बाहर आ जाता है, एकदम निकल के आ जाता है। तो हो सकता है कि इन सेंस मैं इनको कचरा नहीं कह रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब मैं उपमा दे रहा हूँ एक तरह से, कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको खराब चीज़ें भी निकल जाए। तो मोमेंटम को चेज करते हुए आपने वैल्यू को देखना चाहिए कि किस स्टॉक में जो वैल्यू है वो कहाँ तक रह सकता है। अगर यस बैंक की बात कर ले तो मोमेंटम जरूर है अभी, और हो सकता है कि यहाँ से 2-3 रुपया और आपको मोमेंटम मिल जाए। लेकिन पीएनबी जहाँ तक बात है, और पीएनबी के बुक वैल्यू देखें 80 के ऊपर है, और इसको चला जाना चाहिए था। सारी बैंकें, हम आपसे बराबर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते रहे हैं, आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा अपने बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड हो रहा है, पीएनबी अभी भी निचले स्तरों पे है। तो अगर आपके पास है तो आप एक स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं इसमें, कि अभी 58 के भाव हैं और अगर इसमें क्लोजिंग 54 रुपये 70 पैसे के नीचे की आती है तो आपने निकल जाना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट में रहना चाहिए अपने को, क्योंकि वहाँ पर जल्दी आपको पैसे मिलते हैं। जैसे आप स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो, ये तमाम बैंकें जो हैं ऑलरेडी डबल हो चुकी हैं अपने निचले स्तरों पे, और इसमें अभी भी पेन चल रहा है। डेफिनेटली नीचे से बढ़ा है, आपको लगेगा कि बढ़ा हुआ है, लेकिन वो उन सारे बैंकों में अगर आपने पैसा रखा होता, नॉट इन फिक्स डिपॉजिट बट इन इक्विटी, तो आपने कभी भी कभी डबल कर लिए होते पैसा अपना। तो मुझे क्या लगता है कि एकदम स्टॉप लॉस बना के बने रहें, क्योंकि मोमेंटम में हो सकता है कि और पैसे मिल जाए आपको। जी, तो ये है पीएनबी और बाकी सारी चीज़ों पर भी बहुत बढ़िया तरीके से संतोष सर का एनालिसिस।